बाप और बेटे और अलकुदस के नाम में हमारे खुदावन यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की शराकत आप सबके साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ों के दौरान पहले इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजारेंगे और खुदावन खुदा हमारी मदद करता है कि ये आयाम जो बहुत ही पाक और बाबरकत आयाम हैं, इनमें हम खुदावन के ज़्यादा नज़दीक आएँ। ज़बूर नवीस ऐलान करता है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे जलाल बख्शूंगा, मैं उसे आयाम की दराजी से मुतमिन करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आए हम भी ईमान के साथ खुदावन के हुज़ूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों पर पशिमान हों और खुदावन से सच्ची तौबा करें। मैं कादर मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार कर कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निजगफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से बिल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतले खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें।
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। एकादर आसमानी बाप, अनायत करके हम इन 40 दिनों की सालाना इबादत को अपनी रूहानी तब्दीली का निशान मानते हुए मसीह की मौत और जी उठने के बेद का इल्म हासिल करें और लायक जिंदगी से इसका फल जाहिर करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो दरे साथ रूल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। तखलीक और हमारे पहले वालदैन का गुनाह, हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब 7वीं आयत से 9वीं आयत तक, फिर 3रे बाब की पहली 7 आयात। नूह के साथ खुदा का अहद, जब उसे तूफान के पानी से सलामत बचाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 9वां बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। उस वक्त खुदा ने नूह से और उसके बेटों से कहा, देखो मैं अपना अहद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानवरों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंद क्या चरिंद और ज़मीन के सब दरिंदों से जो कश्ती से निकले, ज़मीन के हर तरह के जानदारों से कायम करता हूँ। तुम्हें अपना अहद कायम करता हूँ कि कोई जानदार पानी के तूफ़ान से फिर हलाक ना होगा और ना तूफ़ान ही दोबारा आएगा कि ज़मीन को तबाह करे। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं हर ज़माने की पुश्तों के लिए अपने और तुम्हारे दरमियान बल्कि तुम्हारे साथ के सब जानदारों के दरमियान करता हूँ, उसका ये निशान है, मैं अपनी कमान बादल में रखता हूँ, वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान हो। जिस दिन मैं ज़मीन के ऊपर बादल लाऊं और मेरी कमान बादल में नज़र आए, तो मैं इस अहद को याद करूँगा जो मेरे और तुम्हारे और हर जानदार के दरमियान है। तूफ़ान का पानी दोबारा ना चढ़ेगा कि तमाम जानदारों को हलाक करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। Thank you।
पानी मुशाहबा है, बक्तिस्मा के जवाब तुम्हें बचाता है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस रसूल का पहला हत, तीसरा बाप, 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। अजीज़ों, मसीह एक बार गुनाहों के वास्ते मर गया, यानी रास्तबाज नारास्तों के लिए, ताकि तुमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म में तो मारा गया, लेकिन रूह में ज़िंदा किया गया, जिसमें उसने उन रूहों के पास जाकर वाइज किया जो कैद थीं और जो अगले ज़माने में ज़िद्दी थीं। जिस वक्त खुदा का सब्र नूह के अयाम में, जब तक के कश्ती बनती रही थी, इंतज़ार करता था, इसमें थोड़े से लोग यानी 8 जानें पानी से सही सलामत बची थीं। इस पानी का मुशाबा भी यानी बक्तिस्मा अब तुमको यसु मसीह के जी उठने के वसीला से बचाता है। ये बदन के मैल से पाक होना नहीं, बल्कि नेक ज़मीर का खुदा का तालिब होना है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दहनी तरफ बैठा हुआ है, जहाँ फरिश्ते और हुकूमतें और कुवतें उसके ताबिया की गई हैं। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका पहला बाब 12वीं आयत से। उस वक्त रूह ने फिलिपा और यसु को बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यसु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। सब बैठते हैं जी। आप सबको रोज़ों का अय्याम बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं ये पाक और बाबरकत अय्याम जो रोज़ों के हैं हमें अता किए जाते हैं, कि हम खुदा को जान पाएँ, खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारें, खुदा से अपने लिए रहम मांगें, खुदा के हजूर तौबा करें और खुदा की हजूरी में ज़िंदगी गुजारते हुए खुदावन के नाम को जलाल लें। रोज़ों के लिए जो लफ्ज़
इंग्लिश ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है वो लेंट है। और लेंट क्योंकि पुरानी इंग्लिश का एक वर्ड है, गो कि अब हम दूसरा लफ्ज़ भी फास्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेंट पुराना इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बहार का मौसम। और आप जब अभी जब बाहर निकलते हैं, कभी किसी पौधे के पास खड़े होते हैं, तो आप खड़े होंगे और ग़ौर से उस पौधे को देखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर नए पत्ते निकलने के लिए, नए कोंपलें और बहार के आमद का निशान जो है वो खुदावंद के हजूर हमें हर दरख्त से नज़र आएगा कि खुदा इस दुनिया के इस मौसम को एक नया रंग देना चाहता है, नया रूप देना चाहता है, नई ताज़गी देना चाहता है। और हम मसीहों के लिए रोज़ों का आयाम बुनियादी तौर पर ये बहार के मौसम की आमद है कि हमारे अंदर रोज़ा रखकर रूहानी तौर पर वो बहार आए, वो ताज़गी आए, वो नयापन आए जो खुदा हम में देखना चाहता है। सो बुनियादी तौर पर ये एक दावतनामा है खुदा की तरफ से कि हम अपने आप को तब्दील करें, अपनी तब्दीली के लिए सोचें। और खुदा के हजूर जब हम लतीनी ज़ुबान में इस लफ्ज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है करिज्मा, करिज्मा का लफ्ज़, जो कि करिज्मा लफ्ज़ लतीनी ज़ुबान के जो इटालियन वर्ड है कुरांता से निकला है, जो कि 40 दिन की रियाजत, 40 दिनों का ये रियाजत का अमल है जिसके लिए हमें दावत दी जाती है कि हम खुदा की हजूरी की तरफ आए। 40 दिनों के इस अमल को समझ पाएं कि किस तरह से हम खुदा के साथ इस ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और आज पहले इतवार के रोज़, जो कि रोज़ों का पहला इतवार है, जिक्र किया जाता है यीशु मसीह 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया। और आज एक छोटा सा वर्जन जो कि मरकज़ की अंजील के 3 आयात के अंदर ये सब कुछ समेट कर रख दिया जाता है, ये आजमाए जाने का मंजर फिलफौर वरूल कुदस से बियाबान में आया, शैतान से आजमाया गया और 40 दिन तक वो खुदावन के हजूर आजमाइश के समल से गुजरता है। और खुदा के हजूर अगर हम इसका तफसील से जायज़ा लेना चाहें तो इसके लिए हमें मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब, और इसके अलावा अगर और तफसील से पढ़ना चाहें तो लूका की अंजील उसका 4 बाब खुदावन के हजूर इसी आजमाइश के वाक़िया को बयान करता है। लेकिन मरकज अंजील नवीस बहुत मुख्तसर से अंदाज के साथ इन 40 दिनों की रियाजत को हमारे सामने रख देता है। सो हम सारे जानते हैं जो यीशु मसीह शैतान से आजमाया गया उस पर कितनी आजमाइशें आई थी, कितनी आई थी, 3 आजमाइशें थी। कितनी देर में आई थी, कितनी देर लगी थी? शायद जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो शायद ये पढ़ने के लिए हमें शायद 2 मिनट लगें, शायद 3 मिनट लगें कि यीशु मसीह पर ये 3 बड़ी आजमाइशें आईं। लेकिन मरकज़ की अंजील और बाकी की अनाजील भी इस बात को वाजिया करती हैं कि वो 40 दिन तक आजमाया जाता रहा। सो ये 3 आजमाइशों का जिक्र किया जाता है, बाकी और कौन सी आजमाइशें आईं उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। सो हमें भी सबसे पहले मसीह ईमानदारों को ये बात सीखनी है कि 40 दिन की रियाजत, 40 दिन के ये रोज़े, 40 दिन के ये पाक अयाम, 40 दिन की ये हमारी रियाजत जो खुदा के हजूर है, इसमें आजमाइशें आएंगी। लेकिन इन आजमाइशों को समझने से पहले लाजमी है कुछ पाक अंजील के आज हिस्से को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हो जाए। उस वक्त रूह ने फिलफौर यीशु को बियाबान में भेज दिया, उस वक्त रूह ने फिलफौर यीशु को बियाबान में भेज दिया। ये किस रूह ने भेजा है, कौन सी रूह थी, क्या वो बदरू थी, क्या वो रूह थी, किसकी रूह थी,
किसके रूह ने अमल किया, ताकि हम इस बात को समझ पाए। सो इस वाकया को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए हमें जो बात समझनी है, ये बदरू नहीं है। बदरू यीशु को आजमाना नहीं चाहती है। बदरू ने यीशु को बियाबान में लेकर नहीं गई है। अब इस बात की गवाही जानने के लिए वो कौन सी रूह है, हम थोड़ा सा अगर खुदा के कलाम को पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ यीशु के बपतिस्मा का वाक्या लिखा है, और यीशु के बपतिस्मा के वाक्या के मुताबिक वहाँ पर दो बड़े निशान जाहिर हुए, जो आसमान से निशान जाहिर हुए थे। एक आसमान फटता है और आवाज़ आती है, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। और उसके साथ साथ दूसरा निशान जाहिर हुआ, एक कबूतर रूह की सूरत में वहाँ पर जाहिर हुआ। सो बुनियादी तौर पर दो बातें वाजिया करती हैं, ये रूह जो यीशु को बियाबान में लेकर आई है, ये खुदा का रूह है। और जो आवाज आसमान से आई है, वो इस बात का ऐलान कर रही है, यीशु मसीह अगर बियाबान में भी जाएगा, 40 दिन रोजा भी रखेगा, तो वो खुदा के जोर कोई ताकत उस पर गालब नहीं आएगी। और उसकी तसल्ली दी गई है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये रूह से बियाबान में भी जाएगा। शैतान आजमाने की कोशिश करेगा, आजमाने के बावजूद भी वो शैतान उस पर गालब नहीं आ सकता है। दूसरा वाक्या जो कलाम के अंदर लिखा है, वो अय्यूब की कहानी है। अय्यूब नबी जिसको देखकर जमीन पर शैतान देखकर जाता है कि ये बहुत वफादार बंदा है, ये खुदा का नेक बंदा है, ये खुदा के साथ चलता है, और जाकर खुदा से कहता है तेरा बंदा नेक है, लेकिन मैं उसे आजमाऊंगा तो वो तेरा इनकार कर देगा। सो जिस तरह आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, वही खुदा कहता है अय्यूब मेरा बेटा है, ये भी शैतान तो जमाना चाहता है आजमा ले, वो नहीं गिरेगा, ये मेरा प्यारा बेटा है, जिसको तू आजमाना चाहता है आजमा ले, उसकी जान ना लेना, उसे मार ना देना, लेकिन क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बंदा है, वो ईमानदार है, तो इसलिए वो खता नहीं खाएगा, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। सो रोजों का याम में पहली बात जो कलीसिया आप सबको बताना चाहती है, राख के बुध से लेकर ईस्टर के मौसम तक, राख के बुध से लेकर पाक हफ्ते की लतूरिया तक, कलीसिया बार बार आपको बताना चाहती है, हर बपतिस्मा याफ्ता खुदा का बेटा और खुदा की बेटी है। अगर आप रोजे रखोगे तो आप भी आजमाइश पर काबू पाओगे, आप भी शैतान का मुकाबला करोगे, आप भी खुदा के हजूर में जिंदगी की बरकत पाओगे। और खुदा के हजूर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमें अपने आप को पेश करना होता है, और कलीसिया इसका ऐलान करती है कि हम मसीह के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर मसीह में जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम अच्छे ईमानदार बने, हम रोजों के लिए अपने आप को तैयार करें, रियाजत के लिए अपने आप को तैयार करें। और इसीलिए फिर आज की पहली तलावत का वाकया याद दिलाया जाता है, हजरत नूह के दौर का, जिसमें इस बात का ऐलान किया जाता है कि हजरत नूह कश्ती बना रहा है, और जब उसने कश्ती बनाना शुरू की, वहां पर रेत थी, वैराना था, बियाबान था, और वो बियाबान में खुली जगह पर कश्ती बनाना शुरू करता है, जहां दूर दूर तक कोई पानी का आसार नहीं, और लोग बातें करते हैं, नूह और उसके बेटे और उसके तमाम मददगार ठीक नहीं हैं,
वो कश्ती बना रहे हैं, यहां पे तो कभी पानी भी नहीं आएगा। सो खुदा के हजूर लोग उन पर हंसते हैं, और आज के दिन जब आप रियाजत करते हैं, आप ज्यादा दुआ करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप रूहानी जिंदगी गुजारते हैं, आप खुदा के आगे झुकते हैं, आप घुटने टेकते हैं, आपके खुदा के हजूर झुकने के अमल को ही मजाक का निशाना बनाया जाता है। लोग मजाक करते हैं, ये क्यों रोजे रख रहा है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हुआ इसकी जिंदगी को। ये आजकल बहुत दुआ करना शुरू हो गए हैं, इनकी जिंदगी में क्या हो गया, कौन सी मुसीबत आ गई है। सो खुदा के हजूर आज भी लोग नेक अमाल करने वाले लोगों को मजाक करते हैं, और इसके साथ साथ आज भी दुनिया हमें रोकती है, रोजा ना रखो क्या होगा। जब कश्ती बन रही थी सवाल हो रहे थे, यहां तो पानी पहुंच नहीं सकता है, यहां तो पानी कभी आएगा नहीं, क्यों कश्ती बनाई जा रही है। और दुनिया में हर इंसान और दुनिया की रनाई और रंगीनी हमें बार बार यही पैगाम दे रही है, कुछ भी नहीं होने वाला है, खुदा 2000 सालों में नहीं आया, आप क्या होने वाला है, दुनिया ऐसे ही आती है, लोग आते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम रोजे नहीं रखोगे, क्या परेशानी आ जाएगी अगर सारे लोग खुदा के खिलाफ हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारी जिंदगी में रोजा नहीं होगा, अगर तुम रोजे नहीं रखोगे, अगर तुम दुआ नहीं करोगे। और हर रोज इसका तजर्बा करते हैं जो लोग नहीं चर्च जाते हैं, वो क्या कहते हैं, तुमने चर्च जाके क्या कमा लिया, हम नहीं भी गए हैं फिर भी जी रहे हैं, हम रोटी भी खा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। हां, अगर आप हर रोज दुआ करने वाले हो, एक दिन आप दुआ नहीं करते हो तो फिर आप महसूस करते हो मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। तो वाकई जो नहीं करते उनकी जिंदगी में कोई कमी होती नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं मिला है कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं। और ऐसे ही लोग नूह को और उसके बेटों को बातें सुना रहे थे, और फिर वो वक्त आन पहुंचा जब बारिश शुरू हुई, जब आसमान से पानी गिरना शुरू हुआ, पानी एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, फिर 40 दिन तक लगातार लगातार बारिश होती रही। और 40 दिन तक इसीलिए कहा गया ताकि आपको भी अंदाजा हो, 40 दिन तक तुम भी रियाजत करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। 40 दिन तक यस्सू ने रोजा रखा, बहुत कुछ हुआ, मूसा ने रोजा रखा, बहुत कुछ हुआ, इलियास ने रोजा रखा, बहुत कुछ हुआ। 40 दिन तक बनी इसराइल कौम सहरा में चलती रही तो उस वादा की सरजमीन तक पहुंच गई। और खुदा चाहता है नए अहद के बेटों और बेटियों, तुम भी 40 दिन तक रियाजत करोगे तो उस आसमानी वतन तक पहुंच पाओगे। ये मौका देता है खुदा हमें समझने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश पानी बढ़ता गया, और वो कश्ती जो रेत पर पड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू होती है, और फिर तमाम रूहे ज़मीन पानी से भर जाती है, दरख्त डूब जाते हैं, परिंदों को कोई जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, सिर्फ वही बचे जो कश्ती के अंदर थे। और आज की दूसरी तलावत में बताया गया सिर्फ 8 जानें बचाई गईं, और जानवरों के जोड़े बचाए गए, इस कायनात की चीजों को संभाला गया। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान किया गया, इसके बाद खुदा ने हजरत नूह के साथ एक अहद बांधा, और वह अहद क्या था कि मैं तेरे दोबारा जमीन पर पानी नहीं बरसाऊंगा, मैं जमीन पर दोबारा इतना पानी नहीं बरसाऊंगा। तो उसका निशान क्या दिया, कौसे कजा, कौसे कजा रेनबो, कौसे कजा दी,
और कहा ये मेरे अहद का निशान है। बारिशें अब भी होती हैं, सैलाब अब भी आते हैं, कौसे का अज़ाब भी नज़र आती है, सो क्या कहा जाए, इसको भी जानने की कोशिश की जाए थोड़ी सी। खुदा का वादा जो अहद किया था, उस अहद की तरफ गौर करने की ज़रूरत है कि मैं इतना पानी ज़मीन पर दोबारा नहीं भेजूँगा। सो इतने पानी से मुराद था सारी दुनिया को पानी से हलाक नहीं करूँगा, लेकिन जो सैलाब आते हैं, जो कौसे कज़ा आती है, जो लोग सैलाब से मरते हैं, इसका ये मतलब नहीं खुदा अपने वादे को तोड़ रहा है। खुदा अपने वादे को नहीं तोड़ रहा। सबसे पहली बात, जिन्होंने हलाक होना है उन्होंने हलाक होना है, और खुदा के हुजूर इस बात के लिए हमें हर जानदार जो जमीन पर पैदा हुआ है उसने मरना है। सो कुछ सैलाब से मरते हैं, कुछ एक्सीडेंट से मरते हैं, कुछ वैसी तबई मौत मरते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में मरते हैं। सो कोई बात नहीं, ये अमल तो जारी रहेगा, लेकिन एक बात जो खुदा ने कही है, खुदा अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता, ये बात हमें याद रखनी है। वो ना फरेब देता है ना अपने वादे को कभी तोड़ता है। हाँ, उसने एक बात और बताई, उसने कहा तो जब भी बारिश के बाद कौसे कज़ा नजर आएगी तो याद रखना मैंने तुमसे ऐद बांधा है। कि हमने कभी सोचा है आज के दौर में कभी कौसे कज़ा देखी हो तो सोचा खुदा ने हमारे साथ वादा किया था वो हमें पानी से नहीं मारेगा, सारी धरती को पानी से दोबारा डबो कर नहीं मारेगा। समय खुदा के जोर इस बात की तरफ गौर करना चाहिए, क्या कभी मुझे कौसे कज़ा नजर आए तो मैं कहूँ खुदाया तेरा शुक्र हो तूने हमसे वादा किया था कि तू हमारी धरती को दोबारा पानी से हलाक नहीं करेगा। खुदा मुख्तलिफ तरीकों से हमें जाहिर करता रहता है, बताता रहता है और हमारी मदद करता रहता है ताकि हम जान पाएं। और इसीलिए मुकद्दस पत्रस ने आज की इस पहली तलावत को अपने इस खत के अंदर इस्तेमाल करके बताया कि ये लोग जो खुदा के हुजूर पानी का बपतिस्मा पाते हैं, इनकी जिंदगियां खुदा के हुजूर कैसी हैं, इनकी जिंदगियां कितनी खूबसूरत हैं। और जिसने यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया वो खुदा के बेटों और बेटियों में शुमार किया गया, और खुदा के बेटे और बेटियां कभी भी खुदा के हजूर दुख नहीं उठाएंगे, वो शैतान का मुकाबला भी करेंगे, लेकिन वही जो ईमान के साथ जिंदगी गुजारेंगे, जो रियाजत और रोज़ा के साथ अपने आप को खुदा में तैयार करेंगे। सो खुदा के हजूर ये एक बहुत बड़ा वादा, और इसके बाद खुदा के हजूर मुकद्दस पत्रस ऐलान करता है खुदा हमें पानियों से भी बचाना चाहता है, शैतान से भी बचाना चाहता है, और उसके अलावा जो उससे पहले खुदावन में सो गए हैं, जो हलाक हो गए हैं, जो गुनाह में मर गए हैं, जिन्हें दफना दिया गया, खुदा कब्र में जाकर वहां से भी एराफ की रूहों को आजाद करने के लिए जाता है। सो जमीन पर भी उसे फिक्र है, मरने के बाद भी उसको फिक्र है, और जो जकड़े हुए हैं, जो कैद हैं, उनको भी वो आज़ाद करके उन्हें भी अपनी इस नई ज़मीन की तरफ, नए वतन की तरफ, आसमानी वतन की तरफ लेके जाना चाहता है, हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जाना चाहता है। इसलिए खुदा हमारी हिफाजत करता है। कितनी आजमाइशें थीं? हाँ जी, तीन आजमाइशें थी। पहली आजमाइश कौन सी थी? रोटी की। पहली आजमाइश किसकी थी? रोटी की। इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए? हम सारे जितने मर्जी अमीर हो जाएं, अरबपति बन जाएं, खरबपति बन जाएं, इंसान कितना खा सकता है, कितनी रोटियां खा सकता है इंसान? एक या दो या बड़ी ज्यादा भी खा ले, तीन खा लेगा क्या कर लेगा? उससे ज्यादा खाएगा तो बीमारी होगा। जितना मर्जी आप पैसा कमा लें, लेकिन ये बात
हम देखने की कोशिश करें अपने इर्द गिर्द लोग रोटी कमाने के लिए एक दूसरे का कितना नुकसान करते हैं। इस रोटी के लिए दूसरों का नुकसान, इस रोटी के लिए जंगो जदल, इस रोटी के लिए लड़ाइयां, इस रोटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जितनी मर्जी बाग दौड़ हमारी लगी है सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए। और खुदा ने बताया था, सारे इंसानों को बता दिया था, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा रहता। जिंदगी देने वाली रोटी नहीं है, जिंदगी देने वाले खुदा की बातें हैं। और इसलिए जब रसूल यीशु की सख्त तालीम से परेशान हो गए तो उसने कहा, सारे रसूल, सारे लोग तो तुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम भी जाना चाहते हो, चले जाओ, तुम भी जाना चाहते हो। तो वहां पे पतरस ने कहा था, ऐ खुदावंद हम कहाँ जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहां से जाएं। और इसलिए वही शागिर्द खुद ब खुद यीशु के मौजज़ों को भी देखते हैं, अज़ीज़ों को देखते हैं, कलाम को सुनते हैं, करिश्मा देखते हैं, और इनकी जिंदगी में यह फजल आता है। खुदा के हजूर इस बात की तरफ हमें तवज्जो करनी है। शान शौकत, शैतान दिखाता है सारी शान शौकत मेरी है, हालांकि उसकी कुछ भी नहीं है शान शौकत। हर रोज वो आपको भी दिखाता है, हर रोज आपके रिश्तेदार आपको शान शौकत दिखाते हैं, हर रोज आपके करीबी लोग आपको बता रहे, ये सारा कुछ मेरा है, मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ मिलोगे तो हम ये कर लेंगे, मिल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और शैतान भी चाहता था यीशु उसके साथ मिल जाए, सारी शौकत ले ले उससे, हालांकि उसकी शान शौकत कुछ भी नहीं है। अपने बपतिस्मा के वादों को याद करो, हम शैतान की सारी शान शौकत को तर्क करते हैं, ऐलान करते हैं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। हाँ, बहुत सारी चमकती चीज़ें दिखाई जाती हैं हमें, और फिर हमारी ही जुबान में लिखा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, और शैतान हमें सोना करके दिखाता है, और कई उस चमक से महव होकर शैतान के पीछे चले जाते हैं। लेकिन आजमाइशों का मुकाबला करना बुनियादी तौर पर हमें बताया जाता है, देखो खुदा किस तरह से हमारी मदद करता है। आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, कई कई दिन हमारे ऐसे गुजर जाते हैं, हम सुबह रोटी खाते हैं, शाम हो जाती है, हमें याद भी नहीं रहता दोपहर की रोटी हमने नहीं खाई है। कई बार ऐसा होता है, अपने कामों में हम इतने मगन, पता भी नहीं होता कि हमने दोपहर की रोटी नहीं खाई है। लेकिन आप रोज़ा रख के देख लो, एक घंटे के बाद आपको लग जाए मुझे भूख लग रही है, एक घंटे के बाद हमें लगेगा बड़ी बड़ी प्यास लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए हैं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। सुबुनियादी तौर पर शैतान हर तरह से आपको आजमाने की कोशिश में लगा रहता है। उसकी कोशिश होती है आप खुदा के हजूर खुदा को छोड़ दो, मेरे पीछे चलो। खुदा हमसे चाहता है हम हमेशा वफादार रहें, और इसीलिए फिर तीसरी बार जब उसने कहा अपने आप को हैकल से नीचे गिरा दो तो फरिश्ते आके तुझे उठा लेंगे, खुदा के फरिश्ते तेरी खिदमत करेंगे, ये कलाम में वादा है, वो तेरे अपने हाथों पर उठा लेंगे। सो जरूर ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ना दुआ करो क्या होगा, क्या परेशानी हो जाएगी, कई चीज़ें हैं हमें रुकावट बनी रहती हैं। सो हमें खुदा के हुज़ूर इस बात की तरफ गौर करना है किस तरह शैतान हमें आजमा सकते हैं। आज तीन बातों का जिक्र करना चाहूँगा जो आज की इंजील मुकदस में है, जिनका जिक्र किया। पहले यीशु मसीह आजमाया गया, दूसरा जंगली जानवरों के साथ रहा, तीसरा फरिश्ते उसकी खिदमत करते हैं। सो बियाबान में तीन बातों का जिक्र किया गया खुदा के हजूर, जो आज मरकस अंजील नवीस एक ही आयत में सब कुछ लिखता है। यीशु आजमाया गया और उसके बाद
जंगली जानवरों के साथ रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। सो ये तीनों चीज़ें बड़ी अहम है समझना। आजमाइश सब पर आएगी, सारे आजमाए जाओगे, सब पर आजमाइश आएगी और सारे आजमाए जाओगे। और खुदा के लोग कभी इस आजमाइश का तजर्बा खुदा की तरफ से करेंगे, कभी शैतान की तरफ से। और इसलिए आजमाइश में गिरना कोई अपने तौर से इस बात को समझने की ज़रूरत है। आजमाइश सब पर आ सकती है, आजमाइश बुरी नहीं होती है। आजमाइश में गिर जाना बुरा होता है, शैतान के बात मान लेना बुरा होता है, उसके मंसूबे को पूरा कर देना वो बुरा होता है। तो इसीलिए बताया गया यीशु आजमाया गया और सारे इंसानों को दावत दी गई, मेरे बेटे और बेटियां जब रोजे रखेंगे, जब रियाजत करेंगे, जब तौबा की तरफ सोचेंगे, जब माफी मांगने की बात करेंगे, जब खुदा की तरफ आने की बात करेंगे, तो बहुत सारी रुकावटें होंगी। सो खुदा के हुजूर आजमाइशों का मुकाबला करके हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, जानवरों के साथ रहा, जानवरों के साथ रहा। कुछ सोच सकता है जानवरों का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? जानवरों का जिक्र करना, जानवर जंगली जानवर, और इसलिए बताया कि जंगली जानवर खूनखार होते हैं, जंगली जानवर फाड़ सकते हैं, मार सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। दुनिया के लोगों को बताया गया, जिस तरह यकूब अपने खत के अंदर कहता है, शैतान फाड़ने वाले शेर की मानद तुम्हारे पीछे लगा रहता है। इसलिए जानवरों का जिक्र किया गया, जानवर जंगली जानवर फाड़ सकते हैं और शैतान फाड़ने वाले भेड़िए की तरह, शेर की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहता है, ताकि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे अंदर डर भी रहे, खौफ भी रहे, और नुकसान होने का डर भी रहे, फाड़ने का डर भी रहे। और इसीलिए लोगों को बताया जाता है कि खुदा से दूर ही रहो। शैतान कोशिश करता है फाड़ने वाले शेर की मानद वो हमारे पीछे पीछे रहे, ताकि हम डरते रहें। तीसरा वादा, खुदा के फरिश्ते खिदमत करते हैं। आप ईमान से रोज़े रखो, आप ईमान से ज़िंदगी गुजारो, आप खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारो, आप खुदा में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, आप रियाजत करना शुरू करो, आप खैरात के काम शुरू करो, आप नेक अमाल शुरू करो, आप दुआ करना शुरू करो, आप देखोगे खुद खुदा के फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। और ये वादा सबके साथ है, ये खुदा का मंसूबा सबके लिए है। और खुदा चाहता है कि हम इन पाक फरिश्तों की हिफाजत में अगर रहना चाहते हैं, अगर चाहते हैं खुदा के फरिश्ते हमारी खिदमत करें, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी को खुदा की तरफ तब्दील करने के लिए तैयार करना होगा। सो हर साल कलीसिया हमें मौका देती है इन आजमाइशों की तरफ हम गौर करें। ये आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। सो आज के दौर में मैं समझता हूँ शायद रोटी हमारी आजमाइश नहीं है। क्या आजमाइश है सबसे बड़ी? क्या चीज है? आज के दौर में हम कहते हैं शायद हम रोटी का रोजा रख लें, लेकिन एक बात का रोजा रखना बड़ा ही औखा हो गया। वो क्या है? हाँ, मोबाइल। आज के दौर में हम रोटी के बगैर रह सकते हैं, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। नाश्ते के पैसे की जगह पे मोबाइल में बैलेंस डलवाना हम पसंद करते हैं। मोबाइल हम एक दिन के लिए भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते हैं। बिजली चली जाए तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम अंधेरे में हैं, हमें इस बात की है मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है, मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, और हमें अंदाजा नहीं है ये कितना खतरनाक है। कोई अमेरिका से बैठा बातें कर रहा है और हमारी बातें और उसकी बातें हवा पे
ट्रेवल करके, हवा के ऊपर सफ़र करके मेरे कानों तक पहुंच रही हैं और उसमें से एक नुक्ता भी नहीं गिरता है, एक लफ्ज़ भी कम नहीं होता है। वो जो उसके और मेरे अल्फाज को, इतने भारी अल्फाज को उठा के हवा की वेव्स जो चल रही हैं, वो अगर उन उस वजन को अमेरिका से उठा के मेरे कानों तक लेके आ रही हैं, उसका असर मेरे दिमाग पर और मेरे दिल पर कितना हो रहा है मैं नहीं सोच रहा हूं। उठने से पहले मोबाइल चाहिए, सोने से सोते सोते आखिरी लम्हे तक मोबाइल चाहिए, मेरे तकिए के पास रहना चाहिए। ये जितना हम इसको करीब रखते हैं उतना हमें नुकसान है। और इसके बगैर मैं समझता हूँ आज के दौर में सबसे पहला रोज़ा तो हमें मोबाइल के रखना चाहिए। शायद शायद कुछ अच्छापन हो जाए हमारे लिए। और आज के दिन में अगर हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, आज के दौर में अगर हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो मोबाइल के एक ऐप से थोड़ी सी बात रोज़ों के मतलब समझाना चाहता हूँ। एक ऐप है GPS, पता है किसी की, तो सुना है किसी की, तरह सुना है कि नहीं सुना है? आपके मोबाइल में है भी वो ऐप। वो ऐप ऐसी है जैसे अगर आपको पता नहीं आपके किसी रिश्तेदार का घर, मिसाल के तौर पे गुजरात का नाम ले लेते हैं, गुजरात की किसी मोहल्ले में, गुजरात में पता नहीं मॉडल टाउन है कि नहीं, मॉडल टाउन में गली नंबर 5 में आपने जाना है, सो आपको रास्ता नहीं आता है, तो उस मैप के ऊपर आप लिख दो गुजरात स्ट्रीट नंबर 5, तो यहाँ से आपके घर से मोबाइल आपका आपकी रहनुमाई करना शुरू कर देगा, ये रास्ता ले लो, ये रास्ता ले लो, ये सड़क ले लो, इस सड़क से जाओ, इधर से टर्न ले लो, इधर से टर्न कर लो, उस तरफ को चले जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, 500 मीटर के बाद आपको फिर राइट होना है, लेफ्ट होना है, कैसे होना है, वो आपको बताता जाएगा। लेकिन आप गलती से अगर आप कोई टर्न लेना भूल जाते हो, मिसाल के तौर के मोबाइल आपको बता रहा था आगे 500 मीटर के बाद आपको राइट होना है, तो आप सीधे चलते जाते हो, तो उसके बाद मोबाइल से बार बार आपको आवाज़ आएगी, यू टर्न लो, टर्न राइट, दोबारा टर्न राइट हो गए, दोबारा वापस आ गए, आपको राइट साइड पे जाना है, बार 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 ये आवाज़ आएगी। और जब तक आप अपने मोबाइल की बात मानते नहीं हैं, आप चलते रहते हैं, उसकी कोशिश होगी कि आगे से कोई दूसरा रास्ता ढूंढ के आपको बताए कि वापस आप उस तरफ जाओ, और वो आपको लेके जाएगा। सो खुदा के हुजूर जिस तरह ये GPS की ऑप्शन और GPS का ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी मंजिल मकसूद तक लेके जाता है, सो कलीसिया और रोज़ों के नयाम में बताती है हमारा GPS रोज़ा है और दुआ है जो हमें खुदा तक लेके जाएगी, जो हमें जब भी हम खुदा के हुज़ूर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपनी राहें बदलने की कोशिश करते हैं, शैतान हमें दूर ले जाने की कोशिश करता है, फिर आवाज़ आती है नहीं टर्न करो, यू टर्न लो, वापस आओ। और यही रोज़ों का मतलब है, वापस आओ, खुदा की तरफ लौट आओ, अपनी राहें सीधी करो, खुदा के साथ चलने की कोशिश करो, खुदा में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो और खुदा में रहो। और इसके लिए कहा गया रोज़े रखो, दुआ करो, खैरात करो, तौबा करो, माफ़ी मांगो, ईमान की बातों का प्रचार करो। और जब तक हम अपनी पोजीशन ठीक नहीं करते हैं तब तक हम सही जगह पर पहुंच नहीं सकते। सो रोज़ा और रियाजत बुनियादी तौर पर हमारी पोजीशन ठीक करता है, हमारा मेल हो जाए खुदा से, हम खुदा से मिल जाएं। और इसीलिए आज यीशु मसीह भी इस GPS की तरह पुकार पुकार कर कहता है तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। आज यीशु मसीह हमें पुकार रहे वापस आओ,
तोबा कर लो और अंजील पर ईमान लाओ। यही हमारा खुदावंद के जोर वो पैगाम है जो खुदावंद हमें देना चाहता है। स्वर दौर में खुदा अपने अंदाज से और अपने तरीके से हमें सिखाने की कोशिश करता है। सो कोशिश करें थोड़ा सा ज़रूर भूख का रोज़ा भी रखें, ज़रूर आप बुरे कामों का रोज़ा भी रखें, बुरे अमाल का रोज़ा भी रखें, बुरी बातों का रोज़ा भी रखें, लड़ाई झगड़ों का भी रोज़ा रखें, खुदा के ज़ोर माफ़ी मांगने की कोशिश करें और सारे रोज़ों की इस किस्म के दौरान थोड़ा थोड़ा आदत डालें, कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए इस मोबाइल से दूर होने का भी सोचें। इसके बगैर भी ज़िंदगी है, जिनके पास नहीं है वो भी जी रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी ज़िंदगी में मज़ा ले रहे हैं। और रूहानी तौर पर खुशी हासिल करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ, रोज़ा, रियाजत, खैरात, नेक अमाल, तोबा करना, माफ़ी मांगना और खुदा की तरफ वापस आना है। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें जो आज शैतान की नजमाइशों का मुकाबला करके हमें भी सिखाता है कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। हमें खुदा तैयार करता है हम खुदा के साथ चलें और खुदा में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। खुदा हमेशा वफादार है और वह आज नूह के साथ ये अहद करता है वो आपकी हलाकत नहीं चाहता है, वो आपको ज़िंदगी देना चाहता है। स्वयं खुदा के हजूर उसके शुक्र गुज़ार हों और खुदा की नेमतें और बरकतें हमेशा हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जाए मसीह खुदावंद के वसीला से। सब खड़े होते हैं खुदावंद की हजूरी में। मैं मां रखता हूँ रूल दस पर पाक कत्सों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जीव हमेशा की ज़िंदगी पर। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावन की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावन मेहरबान बाप पापा आज़म को अपनी बरकतों से मालामाल करे। खुदावन उन्हें अच्छी सेहत दे और खुदावंद उनके ज़रिए से यस्सु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुंचाए। अजीजों दुआ मांगे, खुदावंद से दुआ मांगे हाजिर जमात के लिए। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमारे रोज़े, हमारी रियाजत खुदावंद को पसंद आए और खुदावंद हम में रूहानी कुव्वत पैदा करे ताकि हम आजमाइशों का मुकाबला करके खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारें। अजीजों दुआ मांगे। माइक ऑन करो। खास तौर पर दुआ करते हैं आज राशिद खोकर, शकीब अनवर, शाहिद खोकर, इत्तेफाक भट्टी, शुबाना शबाज जिनकी शादी की आज 20 साल की है, शाहिद खोकर, शरुण शाहिद, स्मरना, आफताब आबद, जिशान आबद, अलीज़ा शहरा शराज, सबा आबद, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल, इरफान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल और जावेद शंगारा के ख़ानदान के लिए खुदा अपने इन बच्चों की शुक्रगुजारियों को कबूल करें और इनके ख़ानदानों को कसरत से बरकत बख्शें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम बीमार लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो किसी भी तरह की बीमारी या दुख तकलीफ में मुब्तला हैं। ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं बूटा मुंशी, जमीला चार्ल्स, मुमताज़ कौसर, समेरा मिनहास, प्रिया गौरी, सिस्टर मारिया, सिस्टर ट्रेसी, अकमल ज़ायर, सजाद सादिक, सुनील सादिक,
शरीफा, रेहाना, शबनम, शुमाइला और सर नसीम जावेद के लिए खुदा अपने इन बच्चों पर अपना दस्ते कादर बढ़ाकर इन्हें कामल शफा बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो बे औलाद हैं। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज चंदा तनवीर के लिए, चांद मोरस, सलोमी नदीम और सहर अनोब के लिए। खुदा इन पर अपना दस्ते कदर बढ़ाकर इन्हें औलाद की अजीम नेमत से नवाजें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। रियासत गौरी, इफ्तखार गौरी और वकास गौरी के लिए दुआ करेंगे। खुदा अपने बच्चों के नेक मकासद को पूरा करें और बड़ी बरकत इन्हें अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम बेरोज़गार लोगों के लिए भी दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर शफकत गौरी के लिए। खुदा उन्हें अच्छा रोज़गार बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम मरहूमीन को याद करते हैं जो खुदावंद में सो चुके हैं, ख़ास तौर पर खुरम जावेद भट्टी जिनकी आज बरसी है, बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, अनवर खोखर, आशिक मसीह, जोसेफ गुलजार, बाबू शकील, ताज अनवर, जरक, वसीम परवेज़, कैथरीन गिल, फ्रांसिस गौरी, मंजूर, वायलट, चार्ल्स भट्टी, अदनान एमस, तोफैल लाल, सदीक मसीह और सरतारा बीबी के लिए के खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम बख्शे और इन्हें अपने बार गजीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदा हमारे मुल्क में इस्तकाम पैदा करे। इस वक्त में जो भी तमाम सियासी कशीदगियाँ, खुदा उन्हें ख़त्म करे। सियासी रहनुमाओं को खुदा बसीरत दे ताकि वो पाकिस्तान और आवाम की बेहतरी के लिए सोचें। अजीज़ों, दुआ मांगें। खुदा हमारी दुआ सुन। सब नौजवान बच्चों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे नौजवानों को राह रास्त पर लाए। खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, उन्हें मेहनत करने का जज्बा और शौक़ दे ताकि उनकी मेहनत उनके ख़ानदानों को संवारे। अजीज़ों, दुआ मांगे। खुदा उनसे दुआ करते हैं तमाम मसीही घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए और ख़ानदानों की तरबियत का ये साल सारे घरानों में खुशियाँ लाए, सब घराने ईमान में बढ़ें और सारे घराने रूहानी बने। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ख़ास दुआ करते हैं यावर और रुबाब के लिए जो खुदावंद में जुड़े गए हैं। खुदावंद उनके ख़ानदान को बरकत दे और खुदा आने वाले वक्त में उन्हें बहुत सारी खुशियों से मालामाल करे। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफकत के तमाम सर चश्मे जो दुआएँ तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तकलाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे। मसीह यस्सु के नाम से आमीन। सब तशरीफ़ रखें और हम सब क्वायर के साथ मिलकर नज़ाने का गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदी और नज़ाने खुदा उन खुदा के हजूर पेश करेंगे।
कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। मेहरबान खुदा, हम मकबूलियत के इन दिनों की काबिल तज़ीम रस्में इस कुर्बानी के साथ शुरू करते हैं। बख्श दे कि हम इसके मुआफिक मुनासिब तौर पर अपने आप को तब्दील करें और तुझ में बरकत पाएँ, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके भी साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा कर। उसने 40 रोज़े रख कर एक इस दीनी रवाज की बुनियाद डाली और पुराने मुखालफ यानी शैतान के आजमाइशों पर फतह पाकर हमें वरगलाने वाली बदियों का मुकाबला करना सिखाया, ताकि हम पाक दिलों के साथ पाशका के बेद मनाकर दायमी पाशका में शिरकत हासिल करें। इसलिए हम फरिश्तों और मुकदसों के घरों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कुदूस 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 खुदा तेरे जलाल से ममूर हैं। आलमी बाला पर हो शाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमी मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है। तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक के तू ना आए। बस सबाब, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबास्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मांग का हमारी मरियम हज़रत यूसुफ़ उसके नहायत पाक शोहर मुबारक रसूल और उन सब मुकदसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूल कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श
और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो, आपके भी साथ हो। हाँ, यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक्त लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सजा का बाइस ना हो बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अजीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जिस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे, आमीन। जो मोमिन पहले पाक शरकत लेते हैं वही सिर्फ पाक शरकत के लिए आएंगे, बाकी सब क्वायर के साथ मिलकर गीत गाते हैं।
مسیح خدا میرے عزیز مومنین، چند ایک اعلانات ہیں۔ ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت دوپہر 2:30 بجے اسی گرجا گھر میں ہوا کرے گی۔ روزوں کے دوران ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت جو ہے وہ ٹھیک دوپہر 2:30 بجے اسی گرجا گھر میں ہوا کرے گی۔ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور انہیں اپنے ہمراہ لائیں۔ ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت کے دوران مومنین کے لیے یہ وقت ہوگا کہ وہ اعتراف کا ساکرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو مومنین اعتراف کا ساکرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت کے دوران یہ ساکرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام ان نوجوانوں سے، بچوں سے یا بزرگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے جنہوں نے اس سے پہلے پہلی پاک شاکت کا ساکرمنٹ ابھی تک حاصل نہیں کیا اور وہ پہلی پاک شاکت کا ساکرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے آنے والے اتوار سے پہلے پہلے برائے مہربانی، کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ظاہر ان کی تیاری کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، یہاں پر بھی اہتمام کیا جائے گا۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے علاقے کے بابو جی کو اپنے نام وقت سے پہلے دیں۔ ہر سال کی طرح ہمارے پیرش کے مومنین 9 مارچ کو بروز ہفتے کو ہم زیارت کے لیے مریم آباد جائیں گے۔ اس لیے جو مومنین جانا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نام وقت سے پہلے اپنے بابو جی کو لکھوائیں تاکہ ہم ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کر سکیں۔ کچھ لوگ مجھے کرائے کے لیے پوچھ رہے تھے، تو برائے مہربانی ابھی ہم یکدم تو نہیں بتا سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو بالکل لاسٹ ویک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سلسلہ ہے۔ 10 دن پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا سلسلہ ہے، تو اس لیے ابھی 1 ہفتہ برائے مہربانی آپ رک جائیں، لیکن اپنے نام جو ہیں وہ آپ وقت سے پہلے اپنے علاقے کے بابو جی کو ضرور لکھوائیں۔ چرچ کی تعمیر کا کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا جو فراخ دلی سے، خوشی اور شادمانی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ خدا ان کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنی شکر گزاریاں اپنے حصے دیتے ہیں، گزرے دنوں میں، آج بھی۔ اور آپ پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں ان کارپٹس پہ آپ بیٹھے ہیں۔ فاتح جی نے بھی بتایا تھا، میں نے بھی اس دن آپ سے یہ بات شیئر کی تھی، ہم ہر سنڈے اور ہر جمعے کا یہ رینٹ پے کر رہے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سبوں سے کہ آپ اس کام میں بھی تھوڑا تھوڑا فاتح جی کا ساتھ دیں، مدد کریں، تاکہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں چرچ چھوٹا ہے، سارے لوگ وہاں پہ پورے نہیں آتے، کچھ باہر ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ماحول ہوتا ہے۔ تو فاتح جی نے کوشش کی کہ ایک ہی جگہ پہ تمام مومنین بیٹھیں اور عبادت کریں، تو اس کام میں بھی ہم فاتح جی کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں تاکہ یہ عبادات کے جو پروگرامز ہیں یہ جاری و ساری رہیں۔ اور آپ سبوں سے گزارش بھی ہے کہ آپ چرچ کی تعمیر کے لیے بھی سب سے پہلے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے بعد آپ سب اس
काम में फादर जी की मदद करें ताकि जितनी भी जल्दी हो सके खुदावन के घर का काम जो है वो पाया तकमील को पहुंचे। बहुत शुक्रिया। सब खड़े होते हैं खुदा के हुजूर। खुदावन तुझ पर अपने परों का साया करे और उसके बाजुओं के नीचे तुझे पनाह मिलेगी। सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगे। हे मालिक बाप आसमानी, हमने वो आसमानी रोटी खाई है जिससे हमारा ईमान परवान चढ़ता और हमारी उम्मीद बढ़ती और हमारी मोहब्बत मजबूत होती है। अनायत करके हम हमेशा इस निजात दिंदा को चाहने वाले रहें जो हमारी हकीकी और ज़िंदा रोटी है। नीज तेरे मुंह की हर बात से हम जिंदा रहें, मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन। रोज़ों के गले सब तक पहुंच गए हैं, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिला अभी तक? कोई अगर है कोई ऐसा जिसको नहीं मिला, सो प्लीज़ जाती दफ़ा यहाँ से बाबूजी से आप ले सकते हैं। प्लीज़ आए, सरों को झुकाते हैं, बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए, खुदा का शुक्र हो। हमारे दरमियान एक नया जोड़ा है, फादर जी से बरकत के लिए मैं गुजारिश करूंगा वो सामने आए। इस्लाम कलोनी से एक नया जोड़ा बरकत के लिए वो सामने तशरीफ लाएं।